मेरे सभी बीकीपर साथियों को नमस्कार। मैं हनी चौधरी। अब मैं अपनी फार्म पे आया हूँ। अब काफ़ी टाइम है, 10-15 दिन हुए। तो बरसात के बाद हमारे बॉक्सों के नीचे की कंडीशन आप देख रहे हैं, कितनी घास वगैरह आ चुकी है। तो हम 2 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि इसकी सफाई कराएं, लेकिन मौसम बरसात जो कुछ भी करने नहीं दे रही है। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरे बीकीपर साथियों ने कमेंट्स वगैरह फ़ोन आए कि इसके ऊपर कोई वीडियो बनाओ कि आगे की हम क्या तैयारी करें, कि हम आगे सीजन हमारा आएगा मस्टर्ड का, कि हम उसमें सुपर लगा के अपना काम कर सकें। और हम इसमें कुछ लोगों का तो ये कहना है कि हम बिल्कुल अपना सेटअप ही बदलना चाह रहे हैं, कि जो हमारा पैटर्न था पहले बीकीपिंग करने का, हम उसे चेंज करके एक नया तरीके से बीकीपिंग करना चाह रहे हैं, जो वास्तविक बीकीपिंग होती है। तो मैं उनके लिए कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, अभी ये हमारी फार्म है, तो कुछ बॉक्स पे अभी भी सुपर लगे हैं, और सुपर के बॉक्स हमेशा अच्छे लगते हैं। स्ट्रॉन्ग कॉलोनी है हमारी। इसमें कुछ हमारी सेलेक्टिव कॉलोनी भी हैं, जिनका क्या हम आगे के लिए अपनी ब्रीड तैयार करते हैं, वो हमने मार्क कर रखी हैं। तो ये हमारी फ़िलहाल साइड की कंडीशन है। जो लोग दिखाने के लिए बोल रहे थे कि अपनी फार्म दिखाओ, ये कंडीशन है फ़िलहाल में। ये हमारे यहाँ लगभग 200 बॉक्स हैं। यहाँ कुछ उधर रखे हैं, पीछे आपको दिख रहे होंगे, कुछ यहाँ पे हैं। तो इस समय क्या है, हमारे यहाँ थोड़ा सोर्स कम है, और सोर्स कम की वजह से हमारे यहाँ मधुमक्खियाँ अभी इतना वर्क नहीं कर रही हैं। लेकिन देखिए, जो लोग अपना सिस्टम को बदलना चाहते हैं, कि वो सही तरीके से बीकीपिंग करना चाह रहे हैं, उनको मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो भी आप सामान खरीदें मधुमक्खी से संबंधित, जैसे कि हमारा सबसे मेन चीज़ होता है बॉक्स। जो भी आप बॉक्स ख़रीदें, वो हमारा एक अच्छी लकड़ी का और एक सही स्टैंडर्ड का होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमारे बीकीपर साथी को ना ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉक्स की नापतोल क्या होती है, इसका मापदंड क्या होना चाहिए, उसकी जो सही नाप है उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। जब हमें जानकारी होगी, तो हम सामने वाले से जहाँ से भी खरीद रहे हैं उसको देख कर नाप तोल करके खरीद सकते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि देखिए, तुनका या पाइन का बॉक्स ख़रीदें, और हमेशा देखिए बॉक्स का तलपट ना फोल्डिंग रखो, क्योंकि तो ऊपर से काम करने में क्या होता है, तलपट अगर फोल्डिंग है ना, तो उसमें काम करने का एक अलग ही आनंद रहता है। हमारे भी कुछ सारे बॉक्स के फोल्डिंग नहीं है, लेकिन हमारी इस बार तैयारी ये है अभी कि हम नवंबर से पहले पहले इन सबको फोल्डिंग करेंगे। देखिए, जब तक हम मधुमक्खी में अच्छा बक्सा नहीं लगाएंगे, तब तक हम सही तरीके से मधुमक्खी पालन कर ही नहीं सकते। लेकिन मधुमक्खियाँ तभी अच्छा काम करती हैं जब उनके लिए अच्छा फ्रेम हो, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ना, जब मधुमक्खी पालन की शुरुआती ट्रेनिंग होती है, तो आपका तो हमें पता नहीं, काफ़ी समय से हमने ट्रेनिंग वगैरह ली नहीं है जी। शुरुआत में हमने काफ़ी ट्रेनिंग ली है, तो उसमें बी गैप का एक चैप्टर आता था, उस पर काफ़ी समझाया जाता था बी गैप का, जिसको मौनांतर बोलते हैं हिंदी में। और बी गैप को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मधुमक्खियाँ जब भी कहीं नेचुरल छत्ते लगाती हैं जंगल में या कहीं पेड़ों में, तो वो एक उनका एक बिल्कुल सही एक मानक होता है छत्ते लगाने का, ठीक है। तो उस मानक का हमें यहाँ भी ध्यान रखना है, जो हमारे फ्रेम का गैप है वो सही होना चाहिए। और सुपर जब हम लगाएंगे, सुपर लगाने से पहले देखिए, हमेशा नीचे वाले बॉक्स में 10 फ्रेम रखो। 10 फ्रेम भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि टेढ़े मेढ़े खाले फ्रेम हो, इस तरीके के फ्रेम बिल्कुल मत लगाओ। सही तरीके का पाइन का फ्रेम खरीदो। वैसे मेरी तैयारी ये है कि अभी 10-15 दिन के अंदर हमारी बॉक्स रेडी हो रहे हैं, तो हम बॉक्स के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, और उसमें हम काफ़ी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, कि जिससे कि हमारे नए बीकीपर साथी जो इस काम में आना चाहते हैं, उसे देख कर समझ सकें और अपना सही तरीके से काम कर सकें। क्योंकि जो जितने मेरे पास फ़ोन आते हैं बीकीपर साथियों के, वो इसीलिए आते हैं कि भई हम सुपर तो लगाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं सही तरीके से, लेकिन होता क्या है कि हमारे बॉक्स कुछ कंडीशन के नहीं है कि हम इनमें सुपर लगा के मधुमक्खी पालन कर सकें। उन्हें प्रॉब्लम ये आती है कि जोड़ वगैरह खुले रहते हैं। जैसे ये बॉक्स है, ये हमने ख़रीदा हुआ है हमारा, अब इसमें क्या है, इसकी जो गीला था थोड़ा ऐंठ गया, तो यहाँ मधुमक्खियाँ निकल रही हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम क्या है बीकीपर के सामने आ रही है, सब में नहीं है, एक आदमी होता है ऐसा। तो इस तरीके की, अब फिर जब माइग्रेस का नंबर आता है, तो उन्हें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, फिर वो हताश होकर इस चीज़ को छोड़ देते हैं।
अब इस समय कंडीशन हमारी ख़राब ही है बीकीपर की, भाई पैसे की दिक्कत है, माल रेट अच्छे नहीं है, हम हर तरीके की समस्याओं का सामना कर रहे हैं इस समय, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि हिम्मत हारने से कुछ नहीं होना, हमें संघर्ष करना पड़ेगा और एक दिन बदलाव ज़रूर आएगा, सारी चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन कहीं भी देखिए, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि हमें खुद भी बदलना पड़ेगा। खुद बदलने का मतलब मेरा इस चीज़ से है कि अपने काम का तरीका बदलो। ये हज़ार हज़ार दो दो हज़ार बॉक्स लेके आप जो मधुमक्खी पालक बनना चाहते हो ना, ये हमारी नज़र में तो बिल्कुल ये गलत चीज़ है। अगर हज़ार बॉक्स रख रहे हो तो आप 500 रखो, सुपर के साथ रखो, क्योंकि जब आप सही बी कीपिंग करके दिखाओगे तो दूसरा नया भी सही तरीके से करने की कोशिश करेगा। अधिकतर जो हालात ख़राब हुए हैं वो मधुमक्खी पालकों ने बिगाड़े हैं, जो बड़े बड़े बी कीपर हैं। जब उसी तरीके से वो करते हैं तो निचले वाला क्यों करेगा, उसे तो इतनी जानकारी है नहीं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ सीखा है और जो हमें सिखाया गया है हम उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और हम काफ़ी सफल भी हैं, क्योंकि विपरीत स्थिति आ रही है रेट वगैरह के, लेकिन हम फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास डिमांड हमेशा बनी रहती है, वो इसलिए क्योंकि हमारी क्वालिटी बेहतर है और हम रेट भी मन मर्जी कर लेते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो। लेकिन मेरा टॉपिक ये था कि जो मेरे बीकीपर साथी पूछ रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहला बॉक्स अच्छा ख़रीदो, बॉक्स की जानकारी नहीं है बॉक्स की जानकारी लो, इसकी सही नाप तोल क्या होनी चाहिए। और मधुमक्खियों का अगर आप कहीं भी हो, इस समय जुलाई और अगस्त ये डिवीज़न करने का टाइम नहीं है, भी मधुमक्खियों को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। देखिए एक कॉलोनी को सुपर के कंडीशन में बनाने के लिए 2 से 2.5 महीने का समय लग जाता है, तो आप उनका क्या करना है, बिल्कुल उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्वीन उनकी समय पर चेंज करिए सितंबर और अक्टूबर के टाइम पर, और हो सके तो क्वीन को आप सेलेक्ट करके ही मतलब उनमें लगाएं, जो अच्छी क्वालिटी की क्वीन हो तुम्हारे बॉक्स के अंदर, वहाँ से आप ग्राफ्टिंग करके तैयार करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो कहीं से परचेज कर सकते हैं।